में हम लोग जाने वाले हैं गाइस, विल बी हिटिंग अस ब्यूटीफुल गाइस। देखिए एक बार लैंडिंग टर्निंग गाइज। अब हम लोग का जो स्टीमर ये प्लान था वो पूरा हो गया है, हार्नेस सब उतार दिए गए हैं, हम पूरा भींग चुके हैं, ठीक है। सो अब जाएंगे गाइज पैराग्लाइडिंग करने के लिए, ठीक है। सो उसका चार्जेस जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो लेट्स सी गाइज, अब मज़ा आने वाला है। वहाँ पर पूरा सब भींग चुके हैं, कपड़ा वपड़ा सब, एवरीथिंग। सो लेट्स गो गाइज। पैराग्लाइडिंग के लिए भी अब यहाँ पर सब हो गया है, ठीक है। और इसका हार्नेस में हम लोग जाने वाले हैं गाइस, लेट्स सी, मजा आने वाला है बहुत। आज पानी के अंदर भी हो गया, ऊपर भी जाने वाला है। देखिए गाइस, बहुत ही मुझे ठीक रेट से मिला, मुझे जितना तो लग रहा है, क्योंकि गोवा ये सब में बहुत ही हाई प्राइस होने वाला है, वहाँ पर अच्छा भी होता है इससे थोड़ा, नो डाउट। सो स्टार्टर मैं एक बार करना चाहता था एक्सपीरियंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गाइस बोट आ चुकी है और अभी जा रहे हैं अंदर, उसके अंदर पानी में तो ऐसे ही भींग चुके हैं। सो और पानी में फिर से भींगना पड़ेगा गाइस, बीच में क्या होता है कि जल्दी सूख जाता है, बट लो चलो आ रहे अंदर। हो गया भींगना चालू गाइस। चलो चलो यार, पूरा भीग गया। तो यहाँ पर एक ट्रिप घूम के आया, अभी हम लोग चढ़ेंगे। उठबो दादा, उठबो स्टीमर के ऊपर बैठ गए। स्टीमर से हम लोग को लिया जाएगा गाइस, एक बोट है वहाँ पर लिया जाएगा, एंड आफ्टर दैट आई विल दिस। बाल ऑलमोस्ट सूख गया गाइस। दीघा में भी अच्छा खासा वेव्स है, अगर आप सपोज जैसे कि बोले पूर्णिमा अगर इस समय आते हैं तो अच्छा ही रहता है, ठीक ठाक रहता है, बट ये एक्चुअली बैक वाटर्स है, तो क्या बोलेगा इस, बहुत ही मडी काइंड ऑफ होता है सीरियसली। यहाँ पर पानी उतना आपको क्लीन नहीं मिलेगा, आप देख सकते, फुल ऑन मडी गाइस, फुल ऑन मडी। सो अगेन गाइस, हम लोग उसी मोड पे फिर से बैक आ गए हैं, ठीक है। वेव्स विल बी हिटिंग अस इन वो, इस ये बोट आ गया है, इससे पैराग्लाइडिंग होने वाली है। So let's move.
पैराशूट पैराशूट तो उसमें जो आ रहा है उसमें जो रेड है उनका वही तो पूछ रहा हूँ क्या करेंगे पैराशूट है। हाँ हाँ वो है ना। अच्छा तो गाइस ये वाला ऐसा सीन है। ठीक है आप लोग यहाँ पर ये क्या है जो रस्सी दिया पार्किंग। ओ अच्छा अच्छा पार्किंग स्लॉट्स। ओके ओके सो ये रहा सब हार्नेस वगैरह। ओके पानी पिला रहे छोटे बहुत पानी दिया। सो यहाँ पर हार्नेसिंग होने वाली है। ओके ये स्टीमर का जो ड्राइवर बैठेंगे और ये रहा आप भैया आप लोग का नाम। मेरा नाम बानू है। बानू ओके आप समीर है। समीर भैया और ये गुलजार भैया। ओके सो आप लोग मतलब कितना यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पर कितना साल हो गया? मेरा तो यहाँ हो गया 15 साल हो गया। अच्छा अच्छा 15 साल। सो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा कि दीघा में भी आप ये जो पैराग्लाइडिंग ये सब अच्छा एक्सपीरियंस का तो भी कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर देख रहे जैसे कि 15 years 10 years एक्सपीरियंस है इन द मिड्स ऑफ द लाइफ। सो अच्छा एक आप रिलायबल सर्विस आप यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो पैराग्लाइडिंग है यहाँ मतलब कितना सालों से मतलब फिर भी पहले करते थे बंद हो गया था फिर चालू हुआ। अच्छा अच्छा दो तीन साल तो हो जाएगा। अच्छा दो तीन साल तो आप लोग पहले कहाँ काम चालू हुआ था मंदार मन से चलता था। ओके ओके तो अभी हाल ही में यहाँ पर चलने लगा है दो तीन साल। और आप लोग प्रीवियसली कहाँ काम करते थे? अच्छा 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 ओके सो हार्नेसिंग में क्या क्या होगा? ये रहा हार्नेस है। अच्छा अच्छा ये सब रहेगा। अच्छा नहीं एक्चुअली डिप हम इसलिए लेना नहीं चाहेंगे ना क्योंकि मेरा ये गोप्रो नहीं गिर चला जाएगा पानी के अंदर जा सकते हैं इसीलिए। हाँ मोबाइल चला जाएगा क्योंकि अभी स्टीमर में आ रहे थे ना तो एक लहरा पूरा एकदम पानी घुस गया तो मुझे लग गया फोन। सो नेक्स्ट टाइम आएंगे गाइस मैं आप लोग को ये भी शॉट दूंगा कि जो सब मतलब ये भैया लोग बोल रहे हैं ना कि आप पैराशूट में रहेंगे तो पैराशूट थोड़ा नीचे आएगा सो आप पानी का यहाँ पर सर्फिंग कैटअप मतलब आपका जो नीचे पार्ट वो लगेगा अच्छा खासा। ठीक है तो वो पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि मोबाइल गिरने का चांसेस रहेगा। सो अभी ये ब्लॉग टोटली गाइस मैं मोबाइल पर बना रहा हूँ पकड़ने के लिए यही सही है नहीं तो फालतू रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है हैशटैग गरीब। सो गाइस स्टीमर ऑन हो चुकी है हार्नेस आपको देखना कैसे रेडी कर रहा है। सब रेडी हो रहा है गाइस इसमें। अच्छा अच्छा इसमें मुझे पैर डालना पड़ेगा। ओके ये दोनों के अंदर। अच्छा अच्छा ये दोनों के अंदर ना। अच्छा ठीक है। ओ अच्छा अच्छा कर ले पहले तो सलमान खान लग बचपन से गाइस ये सब पैराग्लाइडिंग ये सब देख रहे हैं अब थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। वो जो अकेला जंप रहता है बेस जंप वो बाद में कभी करेंगे जब पंची जंप बहुत सारा रहता है पर होता ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उस फिल्म में आप जैसे देख रहे हैं कि वन टाइम जैसे जंप मारते थे वो सोचा है एक जगह लोकेशन है वो अभी नहीं बताएंगे वो इन कमिंग ब्लॉग्स मैं श्योरली जब करूँगा आई विल टेल इट। सो अभी हार्नेस लग चुकी है अच्छा अच्छा। सो गाइस ये देखिए आप स्पीड पकड़ रही है पूरा एकदम पर अभी ये पैराशूट
लोग का इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से सुनिएगा गाइस, क्योंकि इन लोग आपका सेफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। सो अभी ये फ्लाइट, ये जो पैराशूट है, पहले फ्लाई करेगी, उसके बाद इन लोग एक अच्छा मतलब लेंथ ले रहे हैं, कहाँ से मतलब होता ना एक टेकऑफ के लिए मोमेंटम पकड़ना, तो वही है। अब इन लोग शायद घुमा के सेट करेगा। एक बार आप पूरा हार्नेस देख लीजिए, यहाँ पर है लाइफ जैकेट, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये वाला है वो पैराशूट के लिए, ठीक है। देखिए अभी जो स्टीमर में गए थे ना, तो वहाँ पर ये जो लाइफ जैकेट लेके हम डूबे थे, बच गए, ठीक है, इसीलिए बच गए। तो इसलिए अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है पानी में, नहीं तो भाई कभी नहीं आएगा कॉन्फिडेंस पानी में, श्योरली, ठीक है। सो जस्ट दैट, अब और एक दिन शायद आने वाला है, और एक भाई ऐसा। तो गाइस और एक भाई आ गए हैं, अभी तक कुछ थे शांति नाम दादा पापा, अरे मेरा भी, हमारा मेरा लोकल नेम डाक नाम, मेरा भी पापा है, इनका भी पापा है, आवाज ना एक ही नाम है। ओह गॉड, यूनिवर्सल नेम, ओके ओके। सो दादा एटा की फर्स्ट टाइम? ना ना, ओके, मोटामुटी 9-10 टाइम तो হবে। ও মিস দিঘাতে আপনি অনেকবার ইয়ে করেছেন, আচ্ছা আচ্ছা। তো মিস আপনার এতটা মিস 9-10 বার করেছেন, তো মিস ডিফারেন্স কি কি পেয়েছেন? মিস আপনি এরা কি ফার্স্টে মিস ফার্স্ট সার্ভিস যখন নিয়েছেন তখন কি এরা ছিল? आकाश में है अब, यहाँ पर रिलीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। रिलीज हो रहा है ये चीज, अच्छा गाइस फोन नहीं छूटना चाहिए प्लीज गाइस, इसके लिए लाइक एक बार कर दीजिए गाइस। बहुत ही डर लग रहा है गाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम बैठे नहीं है ठीक से, और गाइस बहुत थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं गाइस बैठे शायद ठीक से नहीं, पोजीशन ठीक नहीं हो रहा है, और ब्लॉगिंग का देख रहे, जैसे कि ब्लॉगिंग वो जो ट्राइपॉड है हाथ में रह गया, इधर यहाँ कर दिए उन लोग, क्योंकि सेफ्टी नहीं हो पा रहा था, पकड़ नहीं पा रहे ठीक से, एक हाथ से पकड़े हुए। इट्स ऑल द वे अप, बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है सीरियसली। आप पूरा यहाँ पर बीच देखिए एक बार, अमेजिंग पूरा दीघा दिख रहा है गाइस। शायद GoPro होता तो मैं अच्छा सा आप लोग को, अभी टर्न ले रहा है, अभी फुल ऑन टर्न ले रहा है एक, लाइफ जैकेट पहने हुए तो उतना मुझे सही में डर नहीं लग रहा, क्योंकि गिरेंगे भाई, मोबाइल हम बचा ही लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं भाई। बहुत डर लग रहा है, सही में बहुत डर लग रहा है, बट उतना मजा भी आ रहा है, डर के आगे क्या है जीत। मोबाइल लिटरली गाइस काफ रहा है, लिटरली काफ रहा है। सॉरी गाइस, आप लोगों को पूरा व्यू नहीं दे पा रहे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पूरा मडी वाटर है, ऐसा लगता है नदीगा में पूरा मडी वाटर है, बट हम लोग बंगाल पीपल के लिए ये सामने है तो अच्छा, एक सैटरडे संडे वीकेंड ट्रिप बहुत ही बढ़िया है। Thank you.
शायद हम लोग लैंड करा रहे हैं, आप धीरे धीरे सामने जा रहे हैं। अब गाइस बहुत ही सामने आ गया है। अब आप लोग को थोड़ा लैंड, ये रहा लैंडिंग। बैठ गए गाइस, दिल धड़क रहा है, धड़कने दो। फाइनली गाइस हम लोग हम बैठ गए अभी और पैराग्लाइडिंग कंप्लीटेड। अभी हार्नेस खोली जा रही है, दिल धड़क रहा है बहुत गाइस, पर इसको धड़कने दो ठीक है। उठे पड़े ये वाला आ गया, नीचे आ गया, लेट्स डन। सो अब गाइस ये वाला जो इधर था अब निकालेंगे और इसको पुट इन करेंगे। ये आप देख पा रहे गाइस ऐसे करके पुल किया जाता है, यहाँ पर पुल किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्वाइट सेफ्टी गाइस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ जैकेट है तो आराम से। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ना बहुत डेंस है, ऐसे ऐसे इसमें बहुत कीचड़ टाइप है। नहीं मैं मतलब आई एम नॉट एनी डिफाइंग द नेम ऑफ दीघा, बट रियलिटी जो है वो है राइट। सो ये देखिए आप देखिए पूरा एकदम लग रहा है कि इट्स बैकवर्डस राइट। ये ऐसा नहीं कि प्रदूषण के कारण हुआ है, इट्स बैकवर्डस, तो ये सब में होता ही है ऐसा, पानी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये भैया रिटर्न कर गए। क्या वो मुझे लो, दिस वाज वाज इट वाज योर थर्ड टेंथ। अच्छा अच्छा, ये दादा दस बार यार, ये दस टेन टाइम्स इट हैज बीन हाई। सो मालूम हो जाए मजा ही हो जाए क्यों ना आए से कुछ तो। सो गाइस विजिट देगा इन अ बजट, आप पैराग्लाइडिंग ये सब कर सकते हैं, स्टीमर ये सब का है, इट विल बी फन। मुझे फन भैया को टिकट दे देता है एक बार, पूरा भींग गया होगा गाइस। अरे गाइस दादा पूरा भींगे ऐसा करके। सो भैया को टिकट, दिक्कत नहीं। अरे यार थैंक यू थैंक यू। आपका घर भी नहीं गया पानी में है तो नहीं आता है। हाँ हाँ भाई, सो बहुत अच्छा लगा गाइस, सर्विस भी बहुत अच्छा था, इट वॉज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस, मैं यही बोलूँगा। आप अगर सपोज दीघा के आस पास है, उधर सो गाइस आप स्पीड में जा रहे हैं, लुक एट द टर्निंग, ओह मैन दिस वाज ह्यूज, फन फन मैन। अरे बाबा रे बाबा बहुत डर लगता है भाई। आना ले क्या रे भाई, बैक टू पेविलियन गाइस, प्लीज शो लव इन दिस वीडियो, क्योंकि मैं ये मोबाइल लेके कर रहा हूँ। GoPro होता तो बहुत हेल्पफुल हो जाता, स्पेशली वो जो पैराग्लाइडिंग किया उसमें बहुत हेल्प होता लिटरली, क्योंकि एक हाथ में वो जो पकड़ने के लिए होता है वो मैं पकड़ रहा था और एक हाथ में मोबाइल। सो शो लव टिल देन, सबको याद है Oh!
सो फाइनली गाइस वी आर बैक, ओके बाय बाय या बाय बाय गाइस। सो गाइस यहाँ पर कुछ दोस्त मिले थे जो मतलब वो पैराग्लाइडिंग के बाद आए, तो अच्छा लगा सबसे मिलके। यही गाइस ट्रैवलिंग का मजा है गाइस, आप नया नए दोस्त लोग को देख मिलते हैं, अच्छा लगता है गाइस राइट। सो चलिए बाय बाय। अब भैया को हम ये दे देंगे जो उन लोग का है, एंड देन बैक टू होटल रूम। दादा अमर एटा लाइफ जैकेट का दे दो। सो लाइफ जैकेट दे दिया। अब गाइस मेन बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना भी आप लोग को ये जो भैया लोग हैं, फिर जो भी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो ये सब सुविधा आप लोग को दे रहे हैं राइट। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहूँगा, यहाँ पर कोई आपसे कुछ यू नो हाँ आपका सेफ्टी उन लोग गारंटी देख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाइस सेफ्टी उन लोग अटमोस्ट रख रहा है, क्योंकि उन लोग को भी पता है अगर कुछ इधर उधर हो गया तो फिर नाम उन लोग का ख़राब हो जाएगा। बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब एग्जैक्ट प्राइसेस में आपको मिल जाएगा, तो वैसा है नहीं, ठीक है। आपको लूटने के लिए यहाँ पर सबको यहाँ पर रेडी है, ठीक है। सही बात बोलेंगे पॉइंट में ना, अगर सब जैसे कि मैं वहाँ पर स्टीमर में थोड़ा बहुत डाइव इन किया तो उसके लिए भी अलग चार्जेस है, तो चार्जेस ही चार्जेस गए, थोड़ा बहुत आप इधर उधर करेंगे उसका भी चार्जेस। बस आपका यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, सिक्योरिटी नो डाउटली अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कुछ कंसर्न का नहीं है, बहुत ही अच्छा गए। सो दैट्स इट गाइस अबाउट टुडे। अब दोस्तों को फ़ोन करते हैं और मिलते हैं फिर उन लोग से। बाय एंड हैव फन।